और रोशनी तो रोजमर्रा के जीवन में आई, लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी, नई जिंदगी आ गई। और ओडिंगा जी इतने भावुक होकर के बात मुझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत के जो आयुर्वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, वो केन्या में ले जाए। जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं, उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाभ अधिक लोगों को मिले, इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ। और ये सुनकर के आपको भी खुशी होगी, कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्व न हो। हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो आयुर्वेद का जिक्र जरूर करते हैं। उन्हें भारत के कई आयुर्वेदिक संस्थाओं की जानकारी भी है। साथियों, पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है।